हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रेक्टेंगुलर एरे कैसे अप्लाई करना है, और इस वीडियो में जानेंगे कि पाथ एरे कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों, इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप होम में क्लिक करेंगे, और उस मॉडिफाई ग्रुप में आपको छोटे से एरो में क्लिक करना है, और यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है पाथ एरे। क्लिक करने के बाद आपका कमांड एक्टिव हो जाएगा, और अब आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। मेरे पास ये सर्कल है और ये लाइन, ये पाथ है। सर्कल को सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। इसके बाद कमांड के अनुसार आपने सेलेक्ट करना है पाथ को या कर्व को। पाथ को सेलेक्ट करेंगे और ये अप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों, इसे आप एडिट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। इस आइटम्स को डीसेलेक्ट करिए, और अब आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 17 से कम करके 10 करना चाहता हूँ, और एंटर करेंगे तो अभी यहाँ पे 10 नंबर्स हो गए। और स्पेसिंग आप बढ़ाना चाहते हैं तो अभी यहाँ पे स्पेसिंग है 59 फिट 1 इंच। मैं इंक्रीज़ करूँगा इसे, 65 फिट करूँगा, एंटर करूँगा। तो अभी और करना है, 80 करूँगा और एंटर। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे बढ़ रहा है, और अभी यहाँ पे रोज़ नहीं इंक्लूडेड है। अगर आप और भी रोज़ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे रोज़, अभी यहाँ पे 1 है, मैं यहाँ पे करूँगा 5, एंटर, और ये नंबर ऑफ़ रोज़ आ गया। इसे क्लोज़ करेंगे और ये अप्लाई हो गया। सेम चीज़ दोस्तों आप शॉर्टकट के यूज़ से कर सकते हैं। शॉर्टकट के लिए दोस्तों आप यूज़ करेंगे ARRAYPATH, एंटर। फिर से सेम सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर पाथ को, और हो जाए तो क्लोज़ करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप ऑटो कैड में पाथ एरे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज़ के लिए हमारे वेबसाइट mahagurus.com पर विज़िट करें। थैंक यू।